यात्रा का अंत नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत है। इस देश की आत्मा छलनी है। इस देश के लोगों पर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने आक्रमण बोल रखा है। आज राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर कि ना नफरत चलेगी, ना बंटवारा, ना विभाजन, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। मोदी सरकार को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जैसे चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है, पर नफरत का माहौल है, बंटवारे और विभाजन का माहौल है। सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, वो मोदी हो या कोई और इस देश के लोग ही इस देश का झंडा है। और लाल चौक का ये तिरंगा आज ऐलान है जंग का नहीं, मोहब्बत से इस देश को फिर से जोड़ने का, देश की भारत माँ की आत्मा पर मरहम लगाने का और सरकार से जवाबदेही मांगने का। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, इशारा किन पे था? काश प्रधानमंत्री अपने मन के चोर को देख लेते, मोदी जी अपने मन में बैठे चोर को देखते तो सच्चाई सामने आ जाती। कौन कौन रहा है इस देश को? हर रोज हिंदू मुसलमान में, कब्रिस्तान शमशान में तोड़ा जा रहा है। ये देश शमशान कब्रिस्तान से नहीं चलेगा, ना हिंदू मुसलमान से चलेगा। ये देश रोजगार से चलेगा। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का होगा तो देश चलेगा। जब 150 रुपए की दाल 60 रुपए की होगी तो देश चलेगा। जब 200 रुपए का खाने का तेल 70 रुपए में मिलेगा तो देश चलेगा। जब बेरोजगार नौजवान को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रोजी रोटी मिलेगी तो देश चलेगा। जब देश की संपत्ति देश के लोगों के पास होगी तो देश चलेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है। कल सर आपका समापन कार्यक्रम है, आपने बड़ी सारी पार्टियों को, समान विचारधारा वाले को इन्वाइट किया है, कौन कौन लोग होंगे मंच पर? सवाल व्यक्तियों का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल देश का है। अगर बीजेपी में भी कोई महसूस करता है कि उसे इस यज्ञ के अंदर, इस यात्रा में जुड़ना है, इस ऐलान में जुड़ना है जो भारत की आत्मा को जोड़ने का है, तो आइए मंच पर राहुल गांधी जी से जुड़िए। पार्टियां और दल महत्वपूर्ण नहीं, ये यात्रा भी कांग्रेस की नहीं, ये जनता का आंदोलन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।